इस समय में अगर आप कोई भी जॉनर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, EDM हो, पॉप हो, बॉलीवुड हो, हिप हॉप हो, सारे जॉनर में वोकल्स के अरेंजमेंट, वोकल चॉपिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफरेंट तरह के वोकल चॉप्स, वोकल टेक्सचर गाने के लिए, साउंड डिजाइन के लिए, बैकग्राउंड स्कोरिंग के लिए या फिर गेम म्यूजिक के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसा एक VST लेके जिसके साथ आप कंटेम्पोररी वोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोई भी जॉनर में अगर आपको वोकल टेक्सचर चाहिए, वोकल बैकग्राउंड चाहिए, वोकल चॉप्स चाहिए, तो इससे अच्छा कोई VST अभी नहीं है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वोकल AI लेके। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि vocal.ai इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये एनिमेटेड इंटेलिजेंस है। यहाँ पे जो रिकॉर्डेड सोर्सेस हैं इनको अच्छी तरह से प्रोसेस किया गया है और बहुत डिफरेंटली को आप मिला सकते हैं, जिसको ये लोग एनिमेटेड इंटेलिजेंस नाम से पुकार रहे हैं। और ये VST यूज करने के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट का फुल वर्जन होना जरूरी है। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट फ्री प्लेयर है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसका फ्री ट्रायल आता है, आप जरूर इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अभी के अरेंजमेंट में वोकल टेक्सचर का और वोकल चॉपिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे कि ये जो गाना मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं, इट्स स्टार्टिंग विद अ वोकल चॉप जो जा रहा है कुछ ऐसे। सो दीज आर सिंगल वोकल लेयर्स। अगर आप इसके साथ सुनते हैं तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली जो पैड्स हैं, जो टेक्सचर हैं, वो भी सैंपल लॉजिक का वोकल AI से आ रहा है। आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वोकल जैसा टेक्सचर आपको मिल जाता है जो कि एक्चुअली एक पैड साउंड है। अगर आप सिर्फ ये दोनों को मिला के सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। सिर्फ यही नहीं, आगे जाके हम लोग जब इसका ब्राउजर देखने वाले हैं तो आप समझ जाएंगे कि कितने डिफरेंट जॉनर में आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इसका ब्राउजर लेके और साउंड लाइब्रेरी लेके डिस्कस करूं, मैं ब्रीफली इसका जो इंटरफेस है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा पहले देख के आपको ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन बहुत ईजी है एक्चुअली इसको समझना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल मिला के आपके पास 4 वोकल सोर्सेस हैं। तो बेसिकली इसकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं, मतलब जो बेसिक एकदम बेसिक लेवल पे जो है, ये एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स हैं। डिफरेंट तरह के वोकल्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए गए हैं और एट ए टाइम आप इसमें से 4 रिकॉर्डिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे 4 लेयर हैं, आइडेंटिकल लेयर हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दिस इज दी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, दिस इज द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसको आप मिला सकते हैं यूनिकली, ये बीच में एक स्वाइप ऐड है, इसके साथ मिला सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं ये वाला जो प्रेसेट है इसको प्ले करता हूँ, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इसको मूव करके डिफरेंट टेक्सचर को आप इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका खूबी ये है कि सब कुछ के लिए आपको यहाँ पे प्रीसेट मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट तो हैं ही, और भी प्रीसेट्स हैं, हम लोग आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे XY पैट का भी प्रीसेट है, तो आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड टेक्सचर आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप बिल्कुल इस साइड में लेके जाते हैं, दिस इज अ सोर्स 1 दैट इज बीइंग प्लेड, this is a source 2, source 3 and source 4. इसके जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें कितने अच्छे अच्छे साउंड्स हैं। तो अगर मैं ब्राउजर में जाता हूं तो ब्राउजर में आप देख सकते हैं कोर लाइब्रेरी का साउंड्स हैं। तो बेसिकली दीज आर द इंस्ट्रूमेंट प्रीसेट्स। सोर्सेस जो हैं, सोर्सेस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली आपको सारे जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स हैं वो मिल जाते हैं। देखिए, बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हैं। अगर आप सिर्फ ये रिकॉर्डिंग को यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कर रखा है इस वोकल पे, यहाँ पे। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसको मैंने सोलो करके रखा है, सिर्फ एक लेवल को मैंने यहाँ पे, लेयर को मैंने यहाँ पे सोलो कर रखा है। और यहाँ पे अगर आप सोर्स में सिलेक्ट करते हैं, मैंने यहाँ पे सोर्स से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का प्रीसेट यूज नहीं कर रहा हूँ, सोर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। मामा,
बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। कोई डिफरेंट तरह की वोकल्स चाहिए आपको, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये एक्चुअली वोकल चॉप्स क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कोई भी जॉनर के गाने आप उठा लीजिए, कोई भी गाना अभी के आप उठा लीजिए, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे वोकल चॉप्स तो आपको मिल ही जाएंगे, या फिर वोकल लेयरिंग, वोकल टेक्सचर आपको मिल ही जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो सोर्सेस हैं, आप इसको कीबोर्ड में प्ले कर सकते हैं टू क्रिएट द वोकल चॉप्स बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर आप इसका पिच बेंड कर देते हैं तो भी ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आपको वोकल चॉप नहीं चाहिए, आपको टेक्सचर चाहिए, डिफरेंट तरह के टेक्सचर चाहिए, वो आप पा सकते हैं जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे, जो इंस्ट्रूमेंट प्रीसेट है वहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दूसरा जो मैंने डाल रखा है यहाँ पे जाके, मैं इसका जो लाइब्रेरी है इसको आप इसको मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। आप देख सकते हैं टैग्स हैं बहुत सारे, तो टैग्स के हिसाब से आप यहाँ पे प्रीसेट्स जो हैं इसको चूज कर सकते हैं। तो आप सुन सकते हैं कितने अच्छे, कितने सुंदर साउंड्स हैं यहाँ पे, जो कोई भी जॉनर के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। इसलिए अगर आपको पैड साउंड्स चाहिए वो तो हैं ही, लेकिन अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल चाहिए, कुछ इवॉल्विंग चाहिए, सबके लिए अगर आपको स्ट्रिंग के जैसा, क्वायर के जैसा साउंड चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर इसका जो एडिटर है उसमें मैं थोड़ा सा जाता हूँ, चीजें आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि हर एक एडिटर का लो कट, हाई कट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका जो रेजोनेंस है और अटैक रिलीज, ये सब कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, पैनिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर के लिए आपको यहाँ पे पिच शिफ्ट, मिडी ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाते हैं, मिडी रेंज का ऑप्शन मिल जाते हैं। इसका एफएक्स सेक्शन है, एफएक्स सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो हर एक लेयर के लिए आप यहाँ पे 6 इफेक्ट डाल सकते हैं, ये 6 इफेक्ट को आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कंप्रेशन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टोटल 20 इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, आई थिंक उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट्स को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, और इसके जो डिटेल्स हैं वो भी आप सेट कर सकते हैं अगर डबल क्लिक करते हैं तो। अगर आप चाहते हैं इसको स्टेप एडिट भी कर सकते हैं, तो ये सुनने में कुछ ऐसा लगेगा। में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप स्टेप सिक्वेंसर में इसके जो आर्पीजिएशन है, या फिर अगर आप कोई सीक्वेंस क्रिएट करना चाहते हैं वो आप डिटेल में कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे बटन में क्लिक करते हैं तो बहुत बड़ा सिक्वेंसर का डिटेल पेज ओपन हो जाता है, अगर आप वो नहीं भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा वो आप सेट कर सकते हैं, और हर एक स्टेप्स में उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसके नोट रिपीट्स क्या होंगे, ये सब कुछ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मास्टर में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे मास्टर सेटिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ 6 इफेक्ट्स हैं यहाँ पे जिसको अगेन आप चूज कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स भी हैं जो आप मास्टरिंग के लिए, इसका जो मास्टर सेक्शन है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल वोकल प्रोडक्शन के लिए ये एक इनक्रेडिबल VST है, खास करके इसका जो ये XY पैड है, इसको मिला के आप रियली बहुत ही अच्छे टेक्सचर, बहुत ही डिफरेंट टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, अगर आप चाहते हैं जरूर इसको डाउनलोड करिए, ट्रायल करिए। ऐसे प्लगइन्स जो है ये कभी भी स्टॉक प्लगइन में इंक्लूडेड नहीं होता है, एक मॉडर्न प्रोडक्शन के लिए चाहिए ही होता है। तो जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा ऐसा एक प्लगइन आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो vocal.ai परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, और इसका ट्रायल भी आता है, तो अगर आप चाहते हैं ट्राई आउट भी कर सकते हैं। दैट वॉज द ट्यूटोरियल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड कीप प्रोड्यूसिंग।
की नायत मिट गई हर शिकायत।